अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जून 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बात करेंगे DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2023 अपडेट के बारे में। यूपी टेट में कब से शुरू होगा आवेदन, स्कूटनिक रिजल्ट, DLED एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरा जाएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को यूपी टेट भी नया आयोग ही कराएगा। वह अटल आवासीय विद्यालयों में भी नए आयोग से भर्ती होगी। उसके बाद बीएड और वीडियो भर्ती परीक्षा टकरा रही है। देखिए एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक खबर अभी आपने ये देखा था, बीएड वीडियो भर्ती परीक्षा टकराई। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक और खबर देखी थी, वीडियो परीक्षा के चलते बढ़ सकती है डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि। मतलब दोस्तों अब दिक्कत हमें दोनों तरफ देखने को मिल रही है। एक तरफ दोस्तों हमारी दिक्कत डीएलएड एग्जाम डेट सीट में, उधर ही दोस्तों दिक्कत आ गई बीएड एग्जाम डेट सीट में। ठीक है, बीएड और डीएलएड दोनों भर्ती परीक्षाएं एक दूसरे से टकरा सकती है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा वेबसाइट पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्ति वाले पात्र नहीं होंगे। शिक्षक तबादले को लेकर एक और अपडेट आ रही है। उसके बाद देखिए 107 केंद्रों पर होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। ये दोस्तों अपडेट फिलहाल प्रयागराज से। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग अपडेट हमें देखने को मिलती है। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को रखेंगे। एक बात और, अगर आपके घर में कोई भाई बहन दोस्त या किसी ने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाला है तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जहां से आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर हमारा 15 तारीख को है, आज 13 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख को पेपर है। ठीक है, पूरी तैयारी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और जो भी दोस्तों अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देख सकते हैं डीएलएड परीक्षा डेट सीट पहले ये आपके सामने रही। अब इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, बदलाव 26 जून 27 जून या इधर पेपर में किया जा सकता है। बाकी थर्ड सेमेस्टर में उम्मीद है कम कि बदलाव ना हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में बदलाव के चांसेस बन रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर ये भी हो सकता है कि अगर फर्स्ट की डेट सीट बदलेगी तो सिंपल सी बात है थर्ड की भी बदल सकती है। ठीक है, फिलहाल जो हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है डाउनलोड करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, उससे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि वीडियो परीक्षा के चलते बढ़ सकती है डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि। अपडेट क्या आई थी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की 26 जून से शुरू हो रही है, सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है। अभी देखिए दोस्तों बीएड से क्या अपडेट आई, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की बीएड की सेमेस्टर परीक्षा है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विभिन्न पदों एवं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथि टकरा गई है। परीक्षा तिथि में बदलाव किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती के लिए 1 जुलाई 2018 को विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2022 में परीक्षा आयोजित की गई थी लेकिन परीक्षा में धांधली के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था। इस बार भर्ती के लिए 26 व 27 जून को परीक्षा प्रस्तावित है। राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में 23 जून से बीएड द्वितीय सेमेस्टर और 26 जून से बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परीक्षा डेट सीट की कौन सा पेपर कब से शुरू होने वाला है। वीडियो भर्ती और बीएड की परीक्षा एक ही दिन पड़ जाने से अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। वही 2 जुलाई को ईपीएफओ में परिवर्तन अधिकारी, लेखाधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रस्तावित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ परीक्षा की डेट सीट है जो वीडियो परीक्षा से टकरा रही, बीएड में भी डीएलएड में भी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्या डीएलएड की परीक्षा डेट सीट बदलती है नहीं बदलती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात और आपसे कहेंगे, आप लोग परीक्षा की जो तैयारी ना बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, आप लोग यही डेट सीट को फाइनल मानकर चलिएगा, जो ये डेट सीट आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग फाइनल मानकर चलेंगे, अगर कोई लापरवाही करेंगे तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, काफ़ी बच्चे लापरवाही करते हैं जिस वजह से उनको बाद में बैक या फेल होना पड़ता है, तो इसको ज़रा आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से तैयारी करना है जिससे आपका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर आए। और यूपी टेट में कब से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, देखिए यहाँ पर सारा खेल अब नए आयोग का है। देखिए नया आयोग हमारा कब तक बनता है कब तक नहीं बनेगा, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों नया आयोग अस्तित्व में आता है उम्मीद करेंगे कि हमारा पेपर होगा।
स्कूटनी के रिजल्ट की बात करें तो देखिए सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी का रिजल्ट आना जरूरी है। अब देखिए हुआ क्या कि सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तीन विषय में बैक लग गई। अगर उन बच्चों ने स्कूटनी के लिए आवेदन किया, मान लीजिए एक भी विषय क्लियर हो जाता है तो उनको थर्ड का पेपर देने का मौका मिल जाएगा, तो स्कूटनी का रिजल्ट आ जाता तो बेहतर होता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आज है हमारी तारीख 13 जून, तो आज दोस्तों हमारी लास्ट डेट भी है, ठीक है। अगर दोस्तों आज आपने आवेदन नहीं किया, मतलब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरवाया कॉलेज से, तो उसके बाद आप लोग डीएलएड की परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारा डीएलएड का एडमिट कार्ड है उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना बेहद जरूरी है। एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप नहीं भरेंगे तो आप लोग डीएलएड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो फेल छात्रों के लिए दोस्तों जो भी खबर निकल कर आती है, देखिए यहाँ पर प्रत्यावेदन वाला भी मामला है, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखिए एक और सवाल था कुछ बच्चों का कि सर हम सीटेट का पेपर दे पाएंगे कि नहीं, हम फेल छात्र हैं। देखिए सीटेट के पेपर में लगता है कि आपका आधार कार्ड लग जाता है और एडमिट कार्ड लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीटेट का पेपर दे पाएंगे। लेकिन जब यूपीटेट की बात आती है तो वहाँ पर डीएलएड की मार्कशीट लगती है, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिए। एक और खबर आपके सामने, नए शिक्षक भर्ती के लिए शासन ने अभी स्पष्ट नहीं की है स्थिति। प्रयागराज से अपडेट है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता को लेकर शासन ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, इसी वजह से नई भर्ती का विज्ञापन अटका हुआ है। सोमवार को आयोग में धरना देने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना देने पहुंच गए। 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आयोग परिसर में बुलाया भी गया। तो हर एक अपडेट पर दोस्तों नजर बनाए रखिए, और यहाँ पर बीएड और वीडियो भर्ती परीक्षा भी टकरा रही है। तो इस वीडियो में दोस्त एक और खबर लास्ट में, दोस्तों हम आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कैसे करना है उसका भी हम पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। अगर आपकी जान पहचान में किसी का पेपर हो तो आप उनको उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बता सकते हैं। देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर जल्द ठोस निर्णय ले सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों की रविवार को लखनऊ में बैठक हुई। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप के आवास पर हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि यदि लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 को दिए गए आदेश के तहत सरकार ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो वे इसका विरोध करेंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की ओर से इस मामले में आदेश दिए हुए 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने लिस्ट पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर मामला एक में कोर्ट बार गए, कोर्ट में एक बार मामला चला जाता है तो बहुत ही लंबा सकता है, उसका जीता जागता सबूत आप देख सकते होंगे प्रत्यावेदन मामला वाला, ठीक है ना। तो इंतजार करते हैं जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम को लेकर हो, चाहे वो यूपीटेट एग्जाम को लेकर हो। सीटेट का पेपर हमारा फिलहाल 20 अगस्त को होने वाला है। कुछ बच्चे चाहते थे कि सर पेपर ओएमआर बेस पर हो, तो भाई सीबीएसई ने आपकी सुन ली है, और हमने आपको बताया भी था कि ऑनलाइन पेपर में बहुत ही नुकसान होता है क्योंकि आपका पेपर तकरीबन 1 महीने तक चलता है। भाई इस पेपर से कोई आपको नौकरी तो मिलती नहीं है, समय की अच्छी खासी बर्बादी होती थी। अब साल में 2 बार पेपर कराना, तो सीटेट को भी समझ आ गया होगा कि भैया 2 बार पेपर कराना है तो बार बार ऑनलाइन पेपर कराने में खर्च भी ज़्यादा आता है, समय भी ज़्यादा बर्बाद होता है, उससे बेहतर है ऑफलाइन पेपर करा लिया जाए, ठीक है। तो जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है, और देखिए सर्च क्या करना है, DELED RESULT.COM। जैसे दोस्तों आपने सरकारीRESULT.COM वेबसाइट के बारे में सुना है, वैसे ही DELED RESULT.COM वेबसाइट है जहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाते हैं। तो जैसे दोस्तों हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड 2023 का लिंक दिया गया है। साथ ही अगर आप सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पर है। फिलहाल हमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो क्लिक हियर पर हम क्लिक कर देंगे।
और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड क्लिक हियर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2023 लिंक एक्टिवेट सून। हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, यहां पर हमने क्लिक किया। अब दोस्तों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट एडमिट कार्ड की ओपन हो गई है। तो यहां पर हमें अपना सिंपल सा यूजर आईडी और यहां पर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।